अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम लोग हब के अंदर मौजूद हैं और दुर्रे जी की बस में बैठे हुए हैं और हमारी प्राइवेट कार जो थी वो हमारे पास नहीं आई, इसलिए हमें रक्षा पकड़ के यहाँ हब आना पड़ा। अब हब से हम जाएंगे दुर्रे जी, तो फिर हम बताएंगे कि दुर्रे जी है कैसा। इस वक्त हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे और अभी हमने यहाँ पे दाल मंगवाई है, रोटी दाल और सब्जी। रहमत भाई थी यहाँ पे और फहदुल्ला शेख शर्मा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि दुर्रे जी आते ही रोड का व्यू एकदम चेंज हो गया है। ऐसा लग नहीं रहा कि हम किसी गांव में जा रहे हैं, किसी देहात के अंदर जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा रोड इस वक्त हमें मिला, स्मूथ। और इसी देहात पे जो था वो हेलीपैड था, यहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर उतरता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं हम तो फिर इनका हॉस्पिटल आता है इसी देहात पे। ये इनका हॉस्पिटल है सीधे हाथ पे और इसके बाद यहाँ पे इनका सीधे हाथ पे पार्क है दुर्रे जी का और ये है गेट दुर्रे जी का। इस गेट से हम इंटर होते हैं तो मजे की बात, यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी अपनी है और इन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया हुआ है अपना। इन्हें दूसरे देहातों की तरह शहर नहीं जाना पड़ता और इसका व्यू जो है बहुत ही प्यारा से लग रहा था। इस्लामाबाद के अंदर इंटर हो गए और यहाँ पे उल्टे हाथ पे बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी हुई है और एक रेस्ट रूम भी है जहाँ पे आप जाके आराम भी कर सकते हैं और वहाँ पे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी खिलाएंगे। इतनी प्यारी मस्जिद आपको किसी गाँव में नहीं मिलेगी। उसके बाद हम तुलंगो की तरफ निकल पड़े। वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक था और ये पहाड़ी बहुत खतरनाक थी। अलग अलग करके हमने पार करी, कट जो थे बहुत डिफिकल्ट थे। आओ लेके चलूं तुमको बचपन की उन गलियों में जहाँ रंग है यार है फुर्सत है, शायद कहीं इसमें तुमको तुम मिलो। चलो कहूँ तुमसे मैं मेरी कहानी। इस बार हम लोग चढ़े हैं पहाड़ पे, हमें पहाड़ों पे ऊंचाई और ये हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अजीज साहब, अजीज एसोसिएट के मालिक। आगे देख वहाँ क्या हालात। हमारे साथ फहद भाई हैं, इंडस के मैनेजर। हमारे साथ रहमत भाई हैं, इंडस के सुपरवाइजर। रहमत भाई आईफोन से वीडियो बना रहे हैं, बहुत दूर तक की इनका फोकस जा रहा है। फहद भाई सेल्फियां ले रहे हैं। अजीज साहब कूद मारने की सोच रहे हैं जिंदगी से बेजार। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं। यहाँ बेसिकली शिकार के लिए जगह तैयार हो रही है। यहाँ पे हिरन है, तेंदुआ और इस तरह के काफ़ी सारे जानवर, तितर बतेर पता नहीं कौन कौन से जानवर ला के छोड़ें। फिर उसके बाद यहाँ कतरी शहजादे आएंगे, फिर वो शिकार करेंगे। मेरे बैक साइड पे ये सिंध है और ये मेरे इस तरफ बैक साइड पे बलोचिस्तान और बीच में हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अभी पानी कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। हमने सूखी रोटियाँ खाई हैं सुबह, चाय से रोटियाँ। तो भाई कहने का मकसद ये है कि पैसा आपकी जेब में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान होता है, करम होता है कि आपको ये चीज़ मिलती है। तो भाई जब भी आप हो हर हाल में खुश हो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि आप उस हाल में, वरना ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं, ऐसे ऐसे घर बने हुए जिनको आप देख के रश करेंगे अपने ऊपर कि आप उनसे लाख दर्जे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें पानी मिल चुका है भाई, हम यहाँ खूब नहा रहे हैं।
कल से हम लोग यहाँ पे आए हैं, पानी नहीं मिला हम लोग को, तो यहाँ हम नहा रहे हैं फुल टाइम। मैं तो पूरा कपड़े वपड़े उतार के सब नहाया। यहाँ पे पहाड़, ये सब अजीज भाई और क्या नाम है इसका, रहमतुल्ला, सलीम भाई सब नहा रहे हैं। शुक्रिया नवाज शरीफ। तो भाई अब तक के जाते हैं, अल्लाह हाफिज।